हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको टाटा हिटाची EX200 LC एक्सेलेरेटर का प्राइस बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दोगे, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एक्सेलेरेटर मशीन का प्राइस जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको वीडियो को दोबारा रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका इंजन मॉडल की बात करें तो इसका इंजन मॉडल है कॉमन्स 6BT59C। और इसका इंजन टाइप की बात करें तो इसका इंजन 6 सिलेंडर इन लाइन वाटर कूलर डीजल इंजन है। और इसका इंजन पावर की बात करें तो इसका इंजन पावर है 133 हॉर्स पावर। और इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 12 वाट का 2 बैटरी लगता है। अब इसके हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मेन पंप 2 वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एक्सल पिस्टन पंप मौजूद है। और पायलट पंप की बात करें तो 1 गियर पंप है। और इसके स्विंग स्पीड की बात करें तो इसके स्विंग स्पीड है 13.7 RPM। अब इसके ट्रेवल स्पीड की जानते हैं तो इसके ट्रेवल स्पीड है 4.2 किलोमीटर पर आवर। और इसमें जो अपर रोलर लगा हुआ है ना, जो ऊपर में रोलर लगा हुआ है, एक साइड में 2 लगे हुए हैं और दोनों साइड का मिला के 4 लगे हुए हैं। और इसका लोअर रोलर यानी कि नीचे वाला रोलर की बात करें तो एक साइड में 8 लगे हुए हैं और दोनों साइड का मिला के 16 लगे हुए हैं। और इसमें ट्रैक शू एक साइड में 52 लगे हुए हैं और दोनों साइड का मिला के 104 पीस लगे हुए हैं। और जो ट्रैक शू होता है यानी कि जो ट्रैक प्लेट होता है उसकी चौड़ाई की बात करें तो उसका चौड़ाई है 500 mm। और इसके फ्यूल टैंक यानी इसके डीजल टैंकी की बात करें तो 310 लीटर का है। और इसमें इंजन कूलेंट की बात करें तो 35 लीटर लगता है। इसमें इंजन ऑयल की बात करें तो 13 लीटर लगता है। और जो स्विंग डिवाइस ऑयल होता है वो 6.7 लीटर लगता है। और जो ट्रेवल डिवाइस ऑयल होता है यानी कि जो गियर ऑयल होता है, एक साइड में 6.8 लीटर लगता है। और इसका हाइड्रोलिक टैंक जो है 129 लीटर का है और हाइड्रोलिक सिस्टम 220 लीटर का है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि 3000 घंटा पे आपको हाइड्रोलिक ऑयल इसमें का चेंज करना होता है और 1500 आवर पे यानी कि 1500 घंटा पे इसका हाइड्रोलिक फिल्टर भी चेंज करना होता है। और इसमें सेफ्टी के लिए GPS भी मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे EP मोड में करके चलाते हैं तो आप इसे फ्यूल बचत कर सकते हैं। और इसका ऑपरेटिंग वेट जो है 20,100 kg है। और इसका बूम लेंथ जो है 5680 mm है। और इसका आर्म लेंथ की बात करें तो 2220 mm है। और इसके ट्रैक लेंथ की बात करें यानी कि जो ट्रैक लंबाई होता है वो 4350 mm है। और इसमें न्यू प्रीमियम का ऑडियो प्लेयर प्लस USB and FM भी मौजूद है। और इसकी वारंटी की बात करें तो 2 साल का वारंटी होता है या फिर इसका 5000 आवर तक वारंटी रहता है यानी कि 5000 घंटा तक इसका वारंटी रहता है। और इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 54,85,000। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका प्राइस कम या ज्यादा होता रहता है या फिर हर एक स्टेट का अलग अलग भी प्राइस होता है। इसके लिए मैंने आपको ये नंबर दे दिया है और कुछ डिटेल्स भी दे दिया है, इस पे आप संपर्क करके जो प्रेजेंट टाइम का प्राइस होगा वो आप जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।